कर दूं बंद, आ जाओ चलो। नहीं, वहां नहीं, बारिश हो रही है। क्या हो रहा है नोनू बाहर? क्या हो रहा है बताओ, बताओ ना। ओ सबसे बड़ा काम कर लिया, फुर्ती कर ली हाँ, बेटा। नहीं तो यार ये भी दुखी रहती, हम भी दुखी रहते। चलो बंद कर दिया, लोग चले, नानू चले, पिछो जो। नानू नींद आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा नाखून कटवा लिए नानू ने? दिखाओ, देखो सारे कटवाए हैं। अच्छा ये नहीं कटवाए नानू ने, आधे नाखून नहीं कटवाए, बोली पापा से कटवाऊंगी और मैं काटता हूँ, तब भी ऐसे ही करती है, तब कह देगी मम्मा काटेंगे। कौन काटेगा? मम्मा। मम्मा तो काट ही रहे थे। और ये कौन काटेगा? पापा। पानी पानी भरा खड़ा है यार। कितने बजे से बारिश हो रही है? जब 4 बजे से रुकी कहाँ है, एक बार भी नहीं रुकी है। बाइक वालों को और ज्यादा मुश्किल बेचारों को, हम तो फिर भी चलो अंदर तो बैठे हैं। तो मैं जानबूझ के इससे आगे नहीं निकाल रहा यार, क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा पानी भरा था, तो खाम खामे इनको क्या पता छिट्टे लग जाते। ऊपर से तो वैसे ही बारिश गिर रही है, नीचे से और मैं छिट्टे मार दूं। आगे जाके एक CNG पंप है यार, वैसे तो गाड़ी देखो 53 किलोमीटर ही चली है अभी, पर लेकिन 120 किलोमीटर का एक साइड पड़ता है, तो ये मान लो कि हमारा आना जाना कम से कम 250 किलोमीटर हो जाएगा। तो अगर CNG एक बार भर जाएगी ना, तो अपना काम सही चल जाएगा फिर, और अगर नहीं भरवाई तो थोड़ा सा पहले ख़त्म हो जाएगी। वैसे आज एवरेज सही निकलेगी, क्योंकि AC चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, मौसम बहुत ठंडा है तो AC नहीं चला रखा, और मुझे लगता भी नहीं है कि AC की ज़रूरत पड़ेगी आज। वापस आते हुए बारिश रुक गई, एकदम से घुटन वाली गर्मी होगी तो कह नहीं सकते। और दो रास्ते हैं यार, एक तो सीधा जाके है अंबाला साइड से होके अंबाला से जीरकपुर, और जीरकपुर से फिर राइट साइड में पंचकुला को रास्ता चला जाता है, और एक रास्ता है शाहबाद से थोड़ा सा आगे जाके और राइट साइड से घूम के जाता है, वो पीछे से सीधा पंचकुला निकलता है। तो अगर आपको पंचकुला जाना है ना, तो वो रास्ता ठीक है, क्योंकि हम पिछली बार जब गए थे, क्या एग्जाम देने गए थे, क्या करने गए थे? एग्जाम देने गए। हाँ एग्जाम देने ही गए थे हम, एग्जाम देने नहीं गए थे यार। एग्जाम देने गए थे यार। अच्छा जब ये आपका क्लासमेट आपके साथ था, ये साथ था। हाँ 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 एग्जाम देने गए थे यार, तो जाते हुए तो हम गए थे इसी रास्ते से अंबाला वाले से, और आते हुए ना जैसे गूगल मैप से देख रहा था मैं, तो ऑटोमेटिकली उसने वो वाला रूट दिखा दिया, तो हम वहीं से आए। बड़ा सही लगा यार वो रास्ता, थोड़ा सा लंबा पड़ता है, ये वाला रास्ता है 110 किलोमीटर और वो वाला पड़ता है 119 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर फालतू है, लेकिन टाइम दोनों पे सेम दिखाता है। और जो इधर वाला रास्ता है ना, जो 9 किलोमीटर लंबा है, ये रोड बिल्कुल खाली मिलता है यार, तो आराम से आप 80-90 की स्पीड पे गाड़ी चलाते रहो, और ये तो NH1 है यार, इस पे तो भीड़ मिलती है, तो इसलिए मेरे को वो ज्यादा ठीक लगा यार, टाइम भी बराबर लगता है और 9 किलोमीटर कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, तो इसलिए उसी रास्ते से जाएंगे। और CNG पंप है एक इधर कुरुक्षेत्र से भी थोड़ा पहले है, तो उस पे देखेंगे, अगर CNG मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो भी कोई बात नहीं है। पिछली बार हम जाते हुए इसलिए गए थे इस रास्ते से, क्योंकि उस टाइम गाड़ी में CNG नहीं थी बिल्कुल भी, तो इसलिए हमें मजबूरी में इस रास्ते में जाना पड़ा, नहीं तो जाते हुए भी मैं सोच रहा था कि इधर से चले जाएं, तो फिर उधर से चले गए थे। ओ कर देता है बस, बाकी समझ में नहीं आता क्या बोलता है। क्या हो रही है बेटा? क्या हो रही है नोनू? कर दे ओ। पानी भर गया। देख कैसे देख रही हो उठ के, पानी भर दिया ओ। नोनू हंस के दिखा दे। देख बारिश तेज आ गई बेटा, और टाइम हुआ यार सुबह के 6:42, तो 7:45 ही मान लो, 7:45 हुए हैं और हम नीलोखेड़ी पहुंच गए हैं, तो तरावड़ी से हम निकले ही हैं मान लो, 5-7 किलोमीटर चले हैं अभी, और सुबह सुबह पोपट हो गया यार, CNG थी नहीं अवेलेबल उसमें, और एक वो भी पोल्यूशन भी कटवाना है यार, पोल्यूशन भी एक्सपायर हो गया मेरा, तो कटवाएंगे जहाँ भी CNG डलवाएंगे, मिल गई तो, नहीं तो फिर आगे किसी पेट्रोल पंप पे कटवा लेंगे। एक और CNG पंप था यार थोड़ा सा आगे आगे,
बाहर इतने बड़े बड़े बोर्ड लिखे हुए हैं 24/7 हाई प्रेशर सीएनजी अवेलेबल, अंदर कोई बोला सीएनजी है ही नहीं, प्रेशर 24/7। तो ये यहाँ से हम कट गए हैं यार नीचे को, ये हाईवे ऊपर रह गया और यहाँ थोड़ा सा आगे जाके और फिर राइट में हमें टर्न लेना है। लटका रखी है ये तो यार, खराब हो रही होंगी। ये कह रही है बस देखो कैसे चढ़ी हुई है ऊपर। शुरू में एक बार देख के तो मेरे को भी ऐसे ही लगा, मैं कहा यार चढ़ा रखी है ऊपर, फिर देखा ये तो क्रेन से लटकी हुई है। तो ये यहाँ से हम मुड़ जाएंगे यार राइट साइड में, ये रास्ता सही है यार, यहाँ पे बहुत कम व्हीकल मिलते हैं और बढ़िया रूट है पूरा। और हाँ एक चीज और, अभी जैसे गूगल मैप चला रहा था ना मैं, तो जो उधर वाला हाईवे है ना जो अम्बाला जीरकपुर होके जाता है उस पे टाइम 5 मिनट फालतू दिखा रहा था, इस पे 5 मिनट कम दिखा रहा है। पता नहीं या तो ट्रैफिक बढ़ गया होगा, और जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा तो उस पे टाइम मेरे को लगता है और बढ़ता जाएगा। ये है NH 444A। नोनू तो सोने को हो रही है बिल्कुल, सोई नहीं है, सोई नहीं है। एक बार तो आंख सी बंद कर रही थी, अब फिर खोले बैठी है, पर सोएगी अभी। और दोनों साइड देखो यार सनफ्लावर की खेती है, इस साइड भी थी पीछे हमारे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कई सारे एकड़ में थी, उधर वाले सारे उनमें भी सनफ्लावर के और इतने बड़े बड़े हो रखे हैं फ्लावर। हाँ वो उधर भी है यार, देखो दिख रहे हो तो उधर भी है देख। काफी खेती है यार। हाँ देखो ये भी सनफ्लावर है, मैंने तो पहली बार देखी है यार इतनी खेती सनफ्लावर की। टॉयलेट के लिए रुका था यार रास्ते में, इतनी तेज हवा चल रही है, पड़ा भी नहीं रहा जाता, तो आवाज भी बिल्कुल लगता है आपको ठीक से आ रही होगी। और एक बार ये दिखा देता हूँ आपको, देखो सारी सनफ्लावर की खेती है यार, ये इधर सारी इधर घूम के देखो भाई, ये सारी सनफ्लावर की खेती है यार। क्या करेगा, खाना खाते हैं, कौन कौन खाओगे? इतनी जल्दी उठ भी गया तू? इसको ये लगा पापा गए तो ये गया नहीं था बेटा, मैं टॉयलेट करके आया था। यार गलत फंस गए यार इस रास्ते से आगे, तो आगे देखो खंबा गिरा हुआ है और जाम लगा हुआ है पूरा, और ये खंबा तो मेरे को लगता भी नहीं हट पाएगा, और पूरे रोड पे ही गिरा हुआ है। हटा रहे हैं हाँ हटा तो रहे हैं यार, कोशिश कर रहे हैं। एक साइड से व्हीकल निकल जाएंगे, ये है काफी हद तक हटा दिया यार खंबा, और दोनों साइड से व्हीकल तो मुश्किल ही निकल पाएंगे, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा ना रोड पे पड़ा है और सिंगल रोड है ये। और इसने अच्छा मजा आया यार सोच का, तब से सोच के पीछे पड़ी हुई है देखो, दुखी करते इसने तो सोच के चक्कर में। खाना खा लिया और अब सोच खा रही है, चाट रही है सोच को। मिल गया, रुक जा मैं खोल के दूंगी और मैं ही खिलाऊंगी। बेटा तू पूरे हाथ भर लेती है और फिर कपड़ों पे लगा लेती है, खाएगी अब अपने आप। और सामने देखो यार पहाड़ दिखने शुरू हो गए, कैमरा में पता नहीं कितने दिख रहे हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं यहाँ कैमरा में भी, और दूर हैं। पंचकुला से शुरू हो जाते हैं वैसे पहाड़, पंचकुला से थोड़ा सा पहले से ही। हाँ मोरनी हिल्स का रास्ता तो पंचकुला से ही है। ये है यार वो पहाड़ जो मैं आपको दिखा रहा था ना पहले, देखो यहाँ से कितना पास दिख रहे हैं, और अब आगे वैसे पहाड़ों का ही रास्ता आ जाएगा। अभी थोड़ा सा रास्ता ना ऊपर नीचे होने लगा है थोड़ा थोड़ा, ये देखो यार धरती में टिकन हो रहा है, देखिए पीछे से करके रहा है वो, पता नहीं यार ये इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, ये ऊपर से यहाँ कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं यार। हाँ ये पर ये तो पीछे से नीचे टिकने हो रहा था बिल्कुल। और पंचकुला पहुंच चुके हैं यार, पहाड़ी पहाड़ है देखो दोनों साइड, हम पहुंच जाएंगे ये मान लो कि 10-1 मिनट में और पहुंच जाएंगे। 8 किलोमीटर रह गया है, मतलब पूरा जहाँ हमें जाना है NHM ऑफिस वहाँ। और अभी वो लोग तो चले गए हैं यार अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और मैं नोनू को लेके बैठा हूँ बाहर, और ये रुक नहीं रही है, बार बार कह रही है मम्मा पास जानी है। क्या करना है नोनू, देखो देखो नोनू का फोटो खींच रहा है। क्या ये लेगा फोन लेगा, पापा निकालेंगे रुको।
ये लो। ए ए ठीक है। और अभी यहाँ पोल्यूशन कटवाने के लिए रुके हैं यार पंप पे। पोल्यूशन तो कटवा लिया यार, अभी एयर चेक करवा रहा हूँ टायर्स में। और ये नोनू को तब तक सुसु करवा रही है, सुसु नहीं गया है, इसने सो गई थी बीच में। करवा ले यार, इसमें 36 सी 33 करवाई है, तो वैसे मैं 35 करवाता हूँ, अभी 33 करवाई है, क्योंकि आगे जो इस पर लिखा हुआ है ना वो 33 लिखा हुआ है। गाड़ी में आ जाऊँ? रुको रुको रुको, देखो वो अंकल क्या कर रहे हैं, देखो देखो अंकल सुई लगा रहे हैं गाड़ी को। नोनू को भी लगा दे सुई। और इस टायर में तो 41 हो रही थी यार। तो फाइनली अभी निकले हैं यार, टायरों में हवा चेक करवा ली है सारे और पोल्यूशन कटवा लिया है। अब रास्ते में कहीं सीएनजी मिलेगी तो सीएनजी डलवाएंगे, पर वैसे 70 किलोमीटर तो चल जाएगी, पर लेकिन अगर सीएनजी नहीं मिली तो 50-60 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर तो फिर पेट्रोल में चलानी पड़ेगी। और क्या कह रहा था मैं, क्या बता रहा था, इस साइड चिमनियां देखो यार कितनी छोटी छोटी हैं। एक ये इधर सामने बहुत ज्यादा छोटी है, मतलब जितनी वैसे एक्चुअल में देखी है ना मैंने, उससे तो ये बड़ी मुश्किल से आधी है। पता नहीं इनको अप्रूवल कैसे मिल जाता है। ये फिर भी ठीक है, ये तो सबसे बड़ी है जो मैंने देखी है अभी तक यहाँ। नहीं तो देखो ये इतनी इतनी है,